लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने विजन को ध्यान में रखा और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं चला जाऊँगा गाँव में, मैं यहाँ पे एक्टर बनने पाया, अगर मैं गाँव में चला गया तो मेरे को वहाँ के लोग क्या कहेंगे, भाई हीरो बनने गया था, एक्टर बनने गया था, ऐसे वापस आया। तो वो भी सोच के एक आत्मविश्वास उसमें भरा हुआ था, एक विजन उसमें भरा हुआ। ऐसे काफ़ी सारे एक्टर हैं जिन्होंने जिनके यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था, आप जाकर उनके बारे में सोचे थे सोचेंगे लोग, उसके भी माँ बाप ने मना किया था कि आप तो मुंबई शहर में जाएगा, धक्के खाएगा, लेकिन उन्होंने जिद की, नहीं मुझे कुछ करना है। आज आप धर्मेंद्र को देखेंगे, वो भी बॉम्बे में सेटल है, उसके दोनों बच्चे बॉम्बे में सेटल है, उसकी पूरी फैमिली सेटल है। अभी मैं जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था, वो सुबह को 3 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ते थे, चर्च गेट जाते थे, वहाँ से मरीन ड्राइव आते थे, वो क्रिकेट सीखने को जाते थे और उनका जो विजन था उस पर वो कामयाब हो गए। उन्होंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी, उस जमाने में टीवी भी नहीं थी ज़्यादा, टीवी भी नहीं देखते थे, प्लस फिल्म भी नहीं देखते थे। जैसे उनके बाद उनको पूछा गया कि वो दिलीप कुमार को पहचानते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं दिलीप कुमार को नहीं पहचानता। अमिताभ बच्चन को पहचानते तो बोला हाँ नाम सुना सुना है लेकिन मैंने आज तक कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। तो उनका जो फोकस था, जैसे विराट कोहली है, धोनी है, इनके जो फोकस थे, इन्होंने आज कुछ बन के दिखाया। तो आपको भी कुछ बनना है, आपके आपको भी एक विजन तय करना है कि आपको क्या बनना है। किसका विजन होगा डॉक्टर बनने का, किसका विजन होगा इंजीनियर बनने का, कोई भी ऐसा आदमी या बच्चा नहीं होगा वो सोचेगा कि मैं ड्राइवर बनूं, मैं मेट्स बनूं, या मैं नौकरी करूं, या मैं कार साफ करूं। तो उस हिसाब से उनको विजन लेकर के चलना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, मस्ती मजाक, घूमना फिरना, बाहर जाना, बर्थडे बनाना, ये सब के लिए तो पूरी जिंदगी बनी है। आज हम भी बर्थडे बनाते हैं, हम भी ये करते हैं, तो हमने हमारा जो विजन था वो हमने सक्सेस किया, उसके बाद हम आज भी इंजॉय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि